अब खबर उदयपुर से है, जहां देहरादून से महिला मरीज को लेकर नवाबगंज बरेली जा रही एम्बुलेंस को ग्राम जाफरपुर के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार महिला मरीज और उसके पुत्र की मौत हो गई। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भोजीपुरा स्थित निजी अस्पताल में जाया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में लिया। दरअसल ग्राम हरदुआ फिफायतुल्ला थाना नवाबगंज की मधुलता विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। करीब 15 दिन पहले उनका ग्राम जैती जाने के दौरान एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनका देहरादून के एक चिकित्सालय में उपचार किया गया। बताया जाता है कि शिक्षिका मधुलता को लेकर उसका पति दिनेश पुत्र देवांश जेठ हरीश के दो पुत्र एम्बुलेंस से नवाबगंज ले जा रहे थे, तभी रुद्रपुर रोड के पास ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से उसे घायल मधुलता को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। क्षेत्र का मामला है, इसमें एक एम्बुलेंस जो एक पेशेंट को लेकर के आ रही थी, ये ऋषिकेश से ये लोग आ रहे थे और इनकी गाड़ी जो है रोड पे वाहन खड़ा था, हैवी वाहन, उससे इनकी गाड़ी टकराई है। उसमें टोटल 5 लोग सवार थे एम्बुलेंस में और इनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जो कि एक महिला है जो पूर्व से ही बीमार थी, तो उनमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी 4 लोगों को भी चोट है, जिनका उपचार कराया जा रहा है और इसमें घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो एम्बुलेंस का चालक था उसको नींद की झपकी आने का मामला इसमें प्रतीत हो रहा है और बाकी इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जो मृतक है उस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए।